हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह, वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने जो एग्जाम आपका यूपी टेट का आने जा रहा है उस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज से हम अपना यूपी टेट का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश में आपको 30 में से 25 प्लस कैसे मार्क्स लेकर आने हैं उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। और आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह का जो पेपर है वो आता है, क्या पैटर्न होता है, क्या एग्जामिनर हमसे चाहता है और किस टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा जोर देना है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो पहले आ चुका है, उसी से हमें पता चलेगा। जो भी रीसेंट पेपर आपका आया है 2020 में, उसी से हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस रीसेंट आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यूपी टेट में भी इंग्लिश का पैडागॉजिकल जो पार्ट है वो पढ़ना होता है, वो उनके क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि यूपी टेट ने अभी ये चीजें शुरू नहीं की है, एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे पेडागॉजी के, बाकी आपको पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन ही आपको कवर करना है यूपी टेट के लिए। सीटेट में तो आप लोगों को पेडागॉजिकल क्वेश्चंस ही मिलते हैं, उसमें ग्रामर के एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, आपको यूपी टेट में ग्रामर पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का बैच शुरू हो चुका है तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइए। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप लोग आकर अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना तैयार किया है, कितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, कितना आप करेक्ट दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। तो किसके बारे में बात कर रहा है, पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहा है कि इन चारों में से पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, पैसिव वॉइस की बात करें, दो तरह के वॉइस होते हैं आपके, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पैसिव सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम वर्ब देखें, ठीक है, वर्ब यहाँ पर स्कॉल्डेड है फर्स्ट सेंटेंस में। भाई मैं पहले आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ किस तरीके से हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि स्कॉल्डेड है, स्कॉल्डेड स्कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, सॉरी सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाई ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्पिंग, वर हेल्पिंग, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और इसने बात की है, इसने ऑक्सिलरी वर्ब की, तो इस फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी हुई है तो ये सेंटेंस भी नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस भी आपका कट हो गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं अभी बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं पहले यहाँ पर, चलो थर्ड ही देख लेते हैं फर्स्ट पहले यहाँ पर। माई वॉच वॉज लॉस्ट, भाई लॉस्ट क्या है, लूज की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, लूज की थर्ड फॉर्म है या लॉस की थर्ड फॉर्म है कह सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी दी हुई है, तो ये सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, उस पर लाइक कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं, हम कोई भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं। लास्ट है यहाँ पर, समवन मे स्टील द बाइसिकल, किसी ने साइकिल चुरा ली, हो सकता है। ठीक है, शायद किसी ने साइकिल चुरा ली, तो स्टील है, स्टोल, जो स्टील है ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो आई नहीं है, तो ये तो पहले ही ऑलरेडी कट हो गया। भाई जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही स्टक करता है कि इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम वही चेक कर लें कि थर्ड फॉर्म किसके सेंटेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको चेक कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो सिर्फ थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर होगा, माई वॉच वॉज लॉस्ट। ठीक है,
इसी तरीके से हम अपना टाइम बचाते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब किया है इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप लोग बहुत फास्ट फास्ट इस चीज को करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से भी वो क्या चूज करा रहा है, पैसिव वॉइस के इन सेंटेंस में से पैसिव वॉइस कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज डन, तो यहाँ पर इज आ रहा है, डन आ रहा है, ठीक है, डू डिड डन थर्ड फॉर्म है, ठीक है मान लेते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज इट विल बी डन, ये नहीं हो सकता, ठीक है, लेट इट बी डन, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सेंटेंस है वो कौन सा लाइक कर रहा है, थर्ड वाला सेंटेंस लाइक कर रहा है, लेट इट बी डन, ठीक है। जो ये फॉर्म है सेंटेंस का, ये आपका जो सेंटेंस है वो पूरा क्या है, पैसिव वॉइस पर निर्धारित है, ठीक है, उस पर लाइक कर रहा है। आप ये लोग आप लोग सोच रहे होंगे पैसिव वॉइस या अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं आते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर बनाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को प्रॉपर आप लोगों को पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी कि क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इन सेंटेंसेस को पहचानते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस भी आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग की तैयारी करवाने के लिए 25 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना होगा जिससे कि आप लोग क्या हो सके, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके, ठीक है, और अपना स्कोर कार्ड बढ़ा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, इसमें इन चारों में से कौन सा वर्ड आपका क्या है प्लूरल है वो आपको पहचानना है। सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो इसके लिए आपको अधर अड्डा पर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, नाउन द नंबर, नाउन द नंबर करके आपको एक वीडियो मिलेगा, ऑलरेडी वहां पर मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्राइसिस एनालिसिस क्राइटेरिया इंडेक्स में, तो यहाँ पर जो क्या है आपका जो प्लूरल वर्ड है वो क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, क्योंकि इसका सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन होता है, क्या होता है, क्राइटेरियन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, ये क्या रहता है, क्राइटेरियन होता है, ठीक है। एनालिसिस का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है, एनालिसिस होता है, ई एस आता है उसमें। इसी तरीके से क्राइसिस में भी क्राइसिस, इंडेक्स का होता है इंडेसिस, क्या होता है इंडेसिस, ठीक है, ये होते हैं इनके प्लूरल फॉर्म, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, बाकी ये इसके प्लूरल है, ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया है, बाकी आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में भी क्या कर रहा है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान देना है कि जो मेन बात है उस पर ध्यान देना है, वो तो हमें पता ही कि चार में से ही कोई ना कोई चुनना है हमें, ठीक है, चार ही ऑप्शन मिलने हैं हमें। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि प्लूरल पहचानो, प्लूरल क्या है, तो बात करते हैं माइस इलेक्ट्रॉनिक्स बिलियर्ड्स न्यूज, तो इनमें से जो प्लूरल वर्ड है आपका वो क्या है, माइस, ये किसका प्लूरल होता है, माउस का, किसका, माउस का। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ये खुद क्या है, सिंगुलर वर्ड है और एज इट इज ही यूज होती है। ये ब्लियर्ड्स भी एक गेम है और ये सिंगुलर में ही यूज होता है। इसी तरीके से न्यूज भी सिंगुलर में ही यूज की जाती है, ठीक है, तो ये तीनों क्या है, सिंगुलर है, इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है, इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो होता ही नहीं है। ये कैसे यूज होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, मैंने वहां पर सारे रूल्स आप लोगों को समझाए हुए हैं। अगर किसी का ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देख सकता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। आपको एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, ठीक है, मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं हम, यहाँ हमें मीनिंग नहीं जानना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, लेकिन वो बोल रहा है कि इस सेंटेंस में जो ये वर्ड है ऑर्फन, ये किस जेंडर का है, क्या पूछ रहा है, किस जेंडर का है, मैस्कुलिन जेंडर का है, फेमिनिन जेंडर का है, न्यूट्रल जेंडर का है,
ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो जेंडर होते हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं जेंडर कौन कौन से होते हैं। तो पहला है यहाँ पर मैस्कुलिन, ठीक है, जिसमें मेल फॉर्म को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फेमिनिन, जिसमें फीमेल को डिनोट किया जाता है। एक होता है आपका न्यूटर जेंडर, ठीक है, और एक है आपका कॉमन, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर और मैस्कुलिन। ये चार टाइप के आपके जेंडर्स होते हैं इंग्लिश में, जो आपको पढ़ने होते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्फन की, तो ऑर्फन में आपको पता चल रहा है कि कोई मेल है, फीमेल है, क्या है? नहीं ना, तो ऑर्फन तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस पढ़ें, अगर हम सेंटेंस पढ़ें ही वॉज एन ऑर्फन, तो ही के बारे में बात हो रही है। अगर ये हमसे पूछता कि ये सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो किस जेंडर का है, तो हमें पता है कि वो कौन है, लड़का है, कोई बॉय है, उसके बारे में बात हो रही है, भाई बॉय है, उसी के लिए तो ही यूज किया गया है। लेकिन ये उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इसने एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, ऑर्फन में कौन सा जेंडर आएगा, ठीक है। तो ऑर्फन में कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कॉमन जेंडर आएगा आपका, आंसर नंबर बी, ठीक है। क्या है वो, कॉमन जेंडर है, क्योंकि उसमें ये जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनमें पता नहीं होता है कि लड़का है या लड़की है। जब आप बोलेंगे कि बेबी गर्ल है, तब आपको पता चलेगा कि गर्ल है, ठीक है। अगर आप बेबी बोलेंगे तो बेबी में आपको स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्फन है, और इन इस तरीके के जेंडर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से वर्ड नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो कंजक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। दो तरह के कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें कई तरह, इनमें जो अंतर वर्ड्स आते हैं वो एंड इफ, बट वगैरह, ये सारे वर्ड्स इन दोनों कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किए जाते हैं कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आते हैं और कौन से वर्ड सबऑर्डिनेटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बट की, तो बट क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। ये जो एंड, बट, फॉर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के होते हैं। इसमें से जो पूछ रहा है नहीं है वो कौन सा है, इफ। इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। If क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रीपोजिशन आपको रिकॉल करा देती हूँ, वो प्रीपोजिशन में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी की पोजिशन बताने के काम आते हैं, ठीक है। जो पोजिशन बताते हैं वो इसमें आएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, his thrust dash knowledge left him no leisure dash anything else, ठीक है। यहाँ पर इसने दिया हुआ है आपको प्रीपोजिशन बताना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, his thrust किसके लिए उसकी प्यास है, भाई किसी चीज के लिए उसकी प्यास है, किसके लिए प्यास है, तो यहाँ पे लिए किसके लिए आ रहा है, तो पहले इसमें आएगा क्या, for। His thirst for knowledge किसके लिए है, नॉलेज के लिए उसकी प्यास, भूख जो भी है। Left him no leisure, उसने उसके लिए कोई लेजर या कोई खुशी नहीं छोड़ी है। Anything else, ठीक है, किसी चीज के लिए anything else। अब यहाँ पर अगर हमें पता चल गया कि भाई हमारे फर्स्ट वाले जो fill in the blanks दिया हुआ है उसमें तो for आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर options के साथ में अगर जाऊँ तो for किस में है, C में है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सेकंड वाले में दिमाग लगाए बिना मैं क्या करूं,
सिर्फ थर्ड वाले पे टिक करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट में तो फॉर आना ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फास्ट इज इन द सेंटेंस, ये पूछ रहा है जो फास्ट वर्ड है सेंटेंस में वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। अब आप बता सकते हैं ही इज अ फास्ट राइटर, वो बहुत तेज राइटर है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो फास्ट है वो किसका काम कर रहा है। अब ये नाउन तो है नहीं, किसी का नाम नहीं है, ठीक है, किसी का कोई आपको यहाँ पर ना तो किसी तरीके की कोई ग्रुप बताया हुआ है, किसी तरीके का कुछ भी नहीं है, तो नाउन तो ये है नहीं। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, जो विशेषण से पहले उसकी भी विशेषता बताने का काम करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेषता तो बता रहा है, पर किसकी विशेषता बता रहा है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है। भाई राइटर क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, तो ये क्या है, नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, उसकी एक क्वालिटी बता रहा है कि वो क्या है, फास्ट राइटर है, ठीक है। तो क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इसमें आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, ये पूछ रहा है कि इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है। सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर देख लीजिए कौन सा जो फॉर्मेट है वो लाई नहीं कर रहा है, कौन सा सेंटेंस है जो इस फॉर्मेट पर लाई नहीं कर रहा है, वो आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ठीक है, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, ठीक है, He is a man of great knowledge. I have a very costly book in my house. देखो, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना वो लेंथ में भी छोटे ही होते हैं, ठीक है, लेंथ में भी छोटे ही होते हैं। अब आपको यहाँ पर लेंथ दिख रही है, किस सेंटेंस की छोटी है, She reads what she likes, और यही इसका आंसर है, ठीक है, क्या है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस ही विल प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इजंट, ये पूछ रहा है, ये सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का सेंटेंस है, मतलब कौन से काल का सेंटेंस है वो आपको बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं टेंसेस की बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या है, फ्यूचर में अगर प्रेजेंट तो ये है नहीं क्योंकि विल आ रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट तो यहाँ पर कट ही हो गया। अब हमें पहचानना है इन तीनों में से कि फ्यूचर इम्परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर इनडेफिनिट है। तो अगर मैं बात करूं, ही विल प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, वह पियानो बजाएगा, ठीक है, ही विल प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो कॉन्सर्ट में पियानो बजाएगा एक दिन के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम बाद में होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर तो है ही, और फ्यूचर भी कैसा है, ये इम्परफेक्ट है, क्या है, ये इम्परफेक्ट टेंस है। चलिए, इम्परफेक्ट टेंस में जो आपके ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब इसमें क्या आ रहा है, आपका विल शैल आ रहा है, आप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो, और कंटिन्यूअस में क्या आता है, आईएनजी आता है, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज करने के लिए ही आप लोगों को यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following sentence is the subject of verb of feminine gender noun? इसमें से feminine gender का कौन सा sentence है वो आपको पहचानना है। तो अगर मैं यहाँ पर sentence को एक नजर देख भी लूँ तो मुझे पता चल रहा है, first अगर मैं speedily पढ़िए, All the male members have arrived, all the young men have arrived,
ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। इसने बात किसकी की है? फेमिनिन जेंडर की है। फेमिनिन जेंडर में क्या डिनोट किया जाएगा? फीमेल को डिनोट किया जाएगा। तो बाकी सब में तो मेल मेल डिनोट किए जा रहे हैं, बस यही है जिसमें फीमेल मेंबर्स आ रहे हैं। सबसे इजी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का पेडागॉजी से रिलेटेड है। एक आधा क्वेश्चन मैंने बोला है कि आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी अपने फॉर्मेट को चेंज करने में लगे हुए। तो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है टीचिंग का जिसमें टीचर ट्राई करता है एक लिंक जोड़ने का जो उसकी कॉमन लैंग्वेज होती है और फॉरेन लैंग्वेज होती है, दो लैंग्वेज होती हैं उसमें के बिना किसी बिना उसकी मदर टंग का यूज किए हुए, ठीक है, बिना किसी मदर टंग का यूज किए लर्नर की कौन सी ऐसी मेथड है जिसके द्वारा वो फॉरेन लैंग्वेज के साथ में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कौन से मेथड में होता है वो, कौन से मेथड में होता है? डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में स्ट्रक्चर मेथड आपका इससे बिल्कुल अलग ही हो गया कि आप पूरे कोई भी टॉपिक अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, या फिर जो भी आपकी जो टीचिंग होती है या जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले डिफाइन किया गया होता है, उसकी तरीके से ही आप पढ़ते हैं। जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर पहले से चला आ रहा है, उसी मेथड पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल की बात मैं अगर करूं तो बाइलिंगुअल में आपको समझ में आ रहा है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब है दो लैंग्वेजेस को यूज करके पढ़ना, जिसमें कि आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज है वो मदर टंग को यूज करके पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि बिना मदर टंग को यूज किए हुए फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाना है बच्चे को, तो कैसे पढ़ाएंगे, किस मेथड से पढ़ाएंगे, या वो मेथड कौन सा होगा? तो वो मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसी में बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं डायरेक्ट लैंग्वेज का या डायरेक्ट मेथड का यूज क्यों करूंगी, तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में ही पढ़ा के निकल जाऊंगी, ठीक है। आपकी या अपनी मदर टंग का यूज करके मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन English, you are testing their understanding of what they have just. अगर आप अपने student के comprehension skills को test कर रहे हैं English में, ठीक है, तो आप उसकी understanding को किस तरीके से judge करेंगे या किस तरीके से मतलब समझेंगे, किस तरीके से test करेंगे, ठीक है, reading के तरीके से, listen to, spoken या written। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? Comprehension की बात हो रही है। तो comprehension को आप किस तरीके से समझेंगे या किस तरीके से टेस्ट करेंगे? जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तभी हम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं कि इस कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज दिया हुआ है इसमें क्या है, तो इसकी जो मीनिंग है, जो मतलब है, जब हम कैसे समझते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, सिर्फ मात्र पढ़ने से। कॉम्प्रिहेंशन को ऐसा तो है नहीं कि आप लिख लिख के देखते हैं तब उसके आंसर्स को पहचानते हैं, नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पर? रीडिंग, ठीक है, क्या आएगा? रीड, पढ़ के ही कॉम्प्रिहेंशन को समझना होता है। नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टू वर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर। ये आप लोगों ने कई बार अपनी क्लासरूम में या अपने जो अगर आप पढ़ाते हैं तो आप लोगों ने कई बार बोला होगा, या पढ़ते हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये सेंटेंसेस बहुत आम है, बोले जाते हैं। तो सबसे जो मतलब सेंटेंस बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, बोथ ऑफ अवर, मतलब आई डोंट बिलीव हिम, ठीक है, या तो ये होगा या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है करेक्ट है। अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट इसकी, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, अगर यहां पर एम लग रहा है, ठीक है,
और उसके साथ में क्या आ रहा है, बिलीविंग आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसे सीधा सीधा बोल दूं कि आई डोंट बिलीव हिम, ये सेंटेंस भी आप लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया होगा अपने डेली यूज में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, लास्ट इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, या ऑल दीज मैन आर जेंटल। अगर मैं बात करूं दिस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है, और ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि एम ई एन आ रहा है। दीज किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, दो ऑप्शन आपके हट गए, अब बचा आपके पास ये दीज मैंस, तो मैंस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, अगर हमें प्लूरल में लिखना होता है तो ये वाली फॉर्म लिख देते हैं हम। ठीक है, तो आपका थर्ड ये भी कट गया, आपका कौन सा सेंटेंस बचा, लास्ट बचा, लास्ट इज अ करेक्ट आंसर, ऑल दीज मैन आर जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी मिडनाइट, वो मिडनाइट में मेरे पास आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है एट, ऑन, अपॉन, इन। अब आप बताइए यहाँ पर कि क्या आपको यहाँ पर सही लगता है, मिडनाइट में आया, यानी कि आपको एक टाइम दिया है उसने, एक निर्धारित टाइम आपको बताया है कि वो आधी रात पे मेरे पास आया। ठीक है, आधी रात पे मेरे पास आया, तो यहाँ पे जब भी हमें कोई आपका फिक्स टाइम बताया हुआ होता है तो हम आप क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें से एडजेक्टिव क्लॉज किस में नहीं है, किस सेंटेंस में नहीं है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़े, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, भाई यहाँ पर क्या दिया गया है सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लॉज दी हुई है हु इज ट्रूथफुल, मैं उस आदमी से प्यार करती हूँ जो क्या है, सच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, क्लॉज दी है। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, मैं उससे मिली जहां वो रहता है। ठीक है, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज होली सिटी, मैं उसे प्रयागराज में मिली जो क्या है, एक होली सिटी है, तो ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल, वो आदमी जो सच्चा है, ठीक है, उससे सब प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है, क्लॉज है, तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, मैं उससे मिली जहां वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पर आपको प्रीपोजिशन भरना है, ही इज जूनियर मी। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये टू, ये वाला टू नहीं है, ये प्रीपोजिशन है टू। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आप लोग क्या है, टू और देन में कंफ्यूज होते हैं, ये देन टी एच ए एन वाला देन है, कंपैरिजन वाला। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ही इज जूनियर देन मी, मोस्टली जो लोग बोलते हैं, बोलने में जो वर्ड सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसमें देन का यूज करते हैं, लेकिन देन जब आता है तो वहां पर कंपेरिजन वाली स्थिति होती है कि किसी चीज में आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर जो किया नहीं जा रहा है, वो बता रहा है कि वो मुझसे क्या है, जूनियर है, तो इसमें क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टू जूनियर, टू मी। ठीक है, ही इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन, आइदर ही इज मैड, ही फीन्स मैडनेस, आइदर ही इज मैड, अगर हमारे पास में आइदर है, हमें पता है कंजक्शन भरना है और आइदर पहले ही लग गया है, तो इसके साथ में आइदर के साथ में हमेशा क्या कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है। ठीक है, और नाइदर के साथ में नॉर कनेक्ट करता है, तो हमें पता है कि अगर आइदर है तो इसके साथ में क्या आएगा, और आएगा। ठीक है, ये फिल हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है टू फॉरगिव एन इंजरी. आप ये पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे. लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पे एक बार नजर मारिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे हैं. क्या वाकई में उसने क्वेश्चन जो है वो पैसेज से रिलेटेड पूछे हैं या फिर ग्रामर से रिलेटेड पूछे हैं. तो आप पहले क्वेश्चन चेक कीजिए. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज आ. अब हमें स्ट्रेंथ वर्ड को पहचानने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना. तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन उसने ग्रामर से रिलेटेड पूछा है या पैसेज से रिलेटेड पूछा है. तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ वर्ड है वो कैसा है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है. भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत होता है. ताकत हमें क्या दिखाई देती है, नहीं ना. तो ये कैसे वर्ड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड हैं. तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आपने बिना पैसेज को पढ़े यहाँ पर आंसर कर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, One who does not take revenge is. क्या इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत है, इसके लिए भी मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं अपना कॉमन सेंस लगा सकती हूँ कि जो रिवेंज नहीं लेता है वो कैसा आदमी होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है. जो अच्छे आदमी होते हैं वो कभी भी बदला लेने की नहीं सोचते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग मैन आपका फर्स्ट आंसर है. आपको पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी. इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज है वो आपका क्या था, प्रोज था, ये पोइट्री है, ठीक है. तो यहाँ पर भी पहले हम क्वेश्चंस चेक करेंगे, उसके बाद अगर हमें पढ़ने की नीड लगेगी तो हम पैसेज को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन. अनट्रोडन का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. मुझे मीनिंग पता है तो मैं आंसर कर दूंगी, अगर नहीं पता है तो नहीं करूंगी, ठीक है. अनट्रोडन का मतलब क्या होता है, अनट्रोडन का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड. क्या होता है, अनएक्सप्लोर्ड, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते या मतलब उसको हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है. उसको हम कहते हैं अनट्रोडन या अनएक्सप्लोर. तो इसका आंसर भी आप बिना पैसेज पढ़े की कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकेंड स्टैंजा. अब यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ने की नीड महसूस हुई क्योंकि इसने पूछा है कि जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है. तो भाई हम पैसेज को एक बार देख लेते हैं, सेकेंड स्टेंजा कौन सा है आपका वो भी देख लेते हैं, ठीक है. एंड से आपका जो ये अवॉयलेट वाला जो है ये आपका सेकेंड स्टेंजा है. इसमें देखिए क्या है, अवॉयलेट बाय मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज अ स्टार वेन ओनली वन is shining in the sky. अब यहाँ पर इसने बोला है fair as a star, इतनी चमकदार है उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, एक इतनी चमकदार है जैसे कि star, ठीक है. तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया है, स्टार से कंपेयर किया है. और किसके साथ में कंपेयर किया है, एज के साथ में. अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं और जिसमें एज और लाइक दो वर्ड्स का हम यूज करके कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ में, तो वो क्या होती है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली होता है. क्या होता है, सिमली होता है. तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया. जब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे, पैसेज जब भी दिए हुए आपको पहले क्वेश्चंस पर एक नजर मारनी है. अगर क्वेश्चंस में आपको नीड लगती है कि मुझे पैसेज पढ़ना है तो आप पैसेज पढ़िए. अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको इसके लिए पैसेज में आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये आपकी ग्रामर बेस्ड है. तो ग्रामर से ही रिलेटेड आपको सोच के उसका आंसर करना होगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस इज आर करेक्ट. इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, देयर इज अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी. He showed few concern for his nephew. He showed little mercy to the vanquished. ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पूछ बोल रहा है there is a few hope of his recovery. उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है, ठीक है. He showed few concern for his nephew. उसने अपने नेफ्यू के लिए कंसर्न दिखाया. He showed little mercy to the vanquished. Vanquished का मतलब होता है किसी को हराना, ठीक है. हराने वाली फीलिंग को या मतलब जो पराजित हो जाते हैं उनको हम वैनक्विश्ड बोलते हैं, ठीक है.
ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्विश्ड, उसने क्या दिखाया, जो हार हार गए थे, जो हार गए थे लोग उनके लिए थोड़ा क्या दिखाया, मर्सी, मतलब थोड़ी दया दिखाई। ठीक है, अब हमें सेंटेंस में क्या पहचानना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें, क्या सी करेक्ट है, ए या बी या सी, तीनों करेक्ट है या कोई भी नहीं है, या फिर ओनली ए, या जो पहला सेंटेंस है वही करेक्ट है। तो आप अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो इसमें है वो आप करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी हम कभी फ्यू का प्रयोग करते हैं, जब भी हम कभी फ्यू का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, जब हम फ्यू का यूज करते हैं तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो कैसा आता है, काउंटेबल नाउन आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में भी क्या है, फ्यू के बाद होप है, होप को क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या है, कंसर्न है, तो कंसर्न को भी क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिटिल के साथ में मर्सी है, इन दोनों वर्ड्स के साथ में भी लिटिल होता तो ये सही होते, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या यूज करते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये सी वाला करेक्ट है, तो ओनली सी। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो पहचान लेते हैं यहाँ पर हम, बात कर लेते हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। भाई पहले हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ और वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, अदर वर्ड लिख लीजिए। ये क्या है आपका, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेड जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में है, तो आप फर्स्ट सेंटेंस पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बताना है यहाँ पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वर्क ऑन मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला ऐसा आदमी था जो क्या है, मून पर गया है। तो मून क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात की गई है, तो ये भी क्या है, पहले जो पहला बताया गया है वो भी क्या है, डेफिनेट बताया गया है कि ये एक पहले आदमी है जो मून पर गए हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम द यूज करते हैं, तो दोनों ही डेफिनेट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको बताना है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आर। आर के साथ में हम क्या लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स में किस तरीके के साउंड के सामने कौन सा आर्टिकल आता है। तो जब भी हमें पता होगा कि आर की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है, एक वॉवल का साउंड निकल रहा है। ठीक है, वॉवल का साउंड निकल रहा है, तो वॉवल के साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, हमेशा एन लगाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट है, एट द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड। यहाँ पर ऑक्स में हम क्या जोड़े इनमें से, जो ये क्या बन जाए, इस वर्ड को प्लूरल बन जाए। ठीक है, इस वर्ड का क्या बन जाए, प्लूरल फॉर्म बन जाए, उसमें हम क्या जोड़े, सिंगुलर फॉर्म है ऑक्स, और ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑक्सिन। क्या होता है, ऑक्सिन, ये लास्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा कि ये वर्ड्स कैसे होते हैं। ठीक है, और आपको पढ़ना है तो आप मेरी सिंगुलर प्लूरल की वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रो में कौन सा सफिक्स जोड़ा जाए जो क्या बने, ये नाउन बन जाए। ग्रो क्या हो जाए, नाउन में तब्दील हो जाए, नाउन में चेंज हो जाए, उसके लिए हम इसमें क्या सफिक्स जोड़े। ठीक है, टी एच जोड़े, एन जोड़े, एस जोड़े, आई एन जी जोड़े। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो एस और आई एन जी ये दोनों वर्ड्स किस में जुड़ जाते, अगर इनको जोड़ दूं तो क्या बन जाएंगे, ये वर्ब बन जाएंगे। हमें वर्ब तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। हम इसमें क्या जोड़ेंगे, टी एच जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा ये, ग्रोथ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ग्रोथ। चलिए
इसी के साथ आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। फर्स्ट पेपर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है फर्स्ट टू फिफ्थ का प्राइमरी लेवल का, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा देखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक्स के बारे में बात की गई है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, तो आप टॉपिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर। जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपका वीक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको उसके ऊपर क्लासेस नहीं मिल रहे हैं किसी और चैनल पे, आप क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, और उनको भी हमारे साथ ज्वाइन कराइए। ठीक है, और आप भी हमारे साथ में पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यूस बने रहिए, तभी आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो पाएगी और आप 25 प्लस इंग्लिश में लेकर आ पाएंगे और अपने पेपर को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आप ये चीज सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी ही 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो किसी और सेक्शन पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए।